इसमें भारत और अमेरिका का साथ आना जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि भारत को जिस तरह की मदद अमेरिका से मिल सकती है वो किसी और देश से नहीं मिल सकती। इसलिए भारत और अमेरिका की जो रक्षा संबंध जिस तरह से विकसित हो रहे हैं वो सामरिक साझेदारी के लिए काफी महत्व रखते हैं। जी, भारत और अमेरिका के जिस तरह से संबंध मजबूत हो रहे हैं वो सामरिक साझेदारी के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं। और इसी के साथ हम समझना चाहेंगे आपसे, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की जब बात आती है तो दोनों देश कोऑपरेशन किस तरह कर रहे हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ तक पहुँची ये साझेदारी? देखिए, इसकी पृष्ठभूमि चीन है। चीन में जब कोरोना की महामारी फैली तब वहाँ से जो है जो जरूरी तकनीकी उत्पाद है उनका निर्यात काफ़ी प्रभावित हो गया। जो सेमी कंडक्टर चिप्स होते हैं उसका निर्यात प्रभावित हुआ, जो लिथियम बैटरी होती है उसका निर्यात प्रभावित हुआ। चीन से उच्च तकनीक वाले कई उत्पादों का निर्यात प्रभावित होने लगा। तो जो सप्लाई चेन का जो एक तकनीकी उत्पादों की जो सप्लाई चेन बनती है उसमें बाधा आई, तो अमेरिका ने तय किया कि चीन का एक विकल्प खोजा जाए। तो विकल्प के तौर पर भारत को देखा गया, लेकिन भारत के पास इस तरह की तकनीक नहीं है। तो अमेरिका भारत को इस तरह की तकनीक से लैस करना चाहता है। इसके लिए एक इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें दोनों देश मिल करके जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होते हैं जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं, जो बहुत छोटे आकार के सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं, उनका साझा उत्पादन कैसे किया जाए, इसके उत्पादन में भारत को किस तरह मदद प्रदान की जाए ताकि भारत एक वैकल्पिक स्रोत के तौर पर उभरे। तो इसी तरह के कई अन्य तकनीकी उत्पाद हैं जो भारत अपने उत्पादन कर सकता है, भारत अमेरिका को सप्लाई कर सकता है। तो अमेरिका चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है। चीन में जो अपने उच्च तकनीक वाले जो कारखाने अमेरिका ने लगाए हैं वो वहाँ से हटा करके भारत लाना चाहता है। तो इसके लिए अमेरिका भारत को के साथ क्रिटिकल जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं उसमें मदद करना चाहता है। दोनों देश इस पर साझा तौर पर कार्यक्रम बनाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। जी, और आपने चीन का जिक्र किया तो चीन की जिस तरह से एग्रेशन आक्रामकता जो है वो काफी बढ़ रही है दुनिया भर में, तो इसके मद्देनजर अमेरिका और भारत का साथ आना क्यों जरूरी है? देखिए, चीन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कर रहा है, समुद्री कानूनों का पालन नहीं करता, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं करता, तो अपना विस्तारवादी रवैया अपनाता है। जो उसके सागरीय इलाके में जो द्वीपीय इलाके होते हैं उन पर वो अनधिकृत कब्जा कर रहा है, वहाँ पर कृत्रिम द्वीप बना करके अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा है। दक्षिण चीन सागर के इलाके पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। तो अमेरिका, स्वाभाविक है कि जो दूसरी ताकतें हैं जो इस इलाके से जिनका व्यापारिक आवागमन होता है, व्यापारिक आवाजाही होती है, उनके व्यापारिक पोत इस इलाके से होकर गुजरते हैं, तो उनके बीच चिंता पैदा होना स्वाभाविक है। तो चीन की नरकतों पर रोक लगाने के लिए जरूरी है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देश मिल करके चीन की चुनौतियों का मिल करके मुकाबला करें। तो भारत को इस मायने में सक्षम बनाने के लिए अमेरिका भारत को कई तरह से मदद देने का प्रस्ताव कर चुका है। दोनों देश मिलकर के एक साझी रणनीति पर काम कर रहे हैं और इसीलिए भारत और अमेरिका की जो बीच जो रिश्ते विकसित हो रहे हैं वो काफ़ी अहमियत रखते हैं। जी, और अगर ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो जिस तरह हमने शुरुआत में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में करीब 190 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है और ट्रेड कम्युनिटी की भी उम्मीदें हैं कि इस व्यापार को 500 यानी 500 बिलियन डॉलर तक ले जाया जाए। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जो दोनों देशों के बीच में व्यापारिक रिश्ते हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं, उन्हें और मजबूत किया जा सकता है? कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें दोनों देशों के बीच जो ट्रेड रिलेशंस हैं उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है? रंजीत जी, देखिए, जब से भारत और अमेरिका के बीच संबंध विकसित होने शुरू हुए हैं आपसी व्यापारिक आदान प्रदान काफ़ी बढ़ा है। सबसे अमेरिका ने भारत पर कई तरह के तकनीकी प्रतिबंध हटाए हैं। भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी उत्पादों का आदान प्रदान काफ़ी बढ़ गया है और यह जो आपसी व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार है, इसका स्तर बढ़कर के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर आ गया है। 190 अरब डॉलर का व्यापार भारत और अमेरिका के बीच होने लगा है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। तो आर्थिक नज़रिए से भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते काफ़ी अहमियत रखते हैं।
अब यदि क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग और बढ़ता है तो भारत में उच्च तकनीक वाले उत्पादों का उत्पादन शुरू हो सकता है, निर्माण बढ़ सकता है और इससे भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक आदान प्रदान और बढ़ सकता है। इसी के मद्देनज़र दोनों देशों ने तय किया है कि अगले 5 सालों में आपसी व्यापार का स्तर बढ़ा करके $500 अरब तक किया जा सकता है और इसी के लिए दोनों देश मिल करके एक साझी रणनीति पर काम कर रहे हैं। जी, तो लगभग सभी पहलुओं पर हमने बातचीत की। हमने बातचीत की किस तरह से दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशंस हैं, या डिफेंस रिलेशंस की हम बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, या फिर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा की। और क्योंकि ये स्टेट विजिट है, और स्टेट विजिट का मतलब क्या होता है, इसकी अहमियत क्या होती है, और जो राष्ट्रपति बाइडन है अमेरिका के, उनके कार्यकाल में ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला स्टेट विजिट है, और जो कि डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के लिहाज से सबसे ऊपर इस विजिट को रखा जाता है, इस कैटेगरी को स्टेट विजिट की, जिसमें कि ये भी कहा जाता है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो अपने कार्यकाल के दौरान, 4 साल के कार्यकाल के दौरान किसी भी राष्ट्र के जो स्टेट है या राष्ट्राध्यक्ष हैं एक ही बार बुला सकते हैं। तो इस लिहाज से ये यात्रा क्यों अहम महत्वपूर्ण है, किस तरह का सेरेमोनियल जो वेलकम होता है वो इस दौरान किया जाता है, तमाम पहलुओं पर हमने बातचीत की। तो रंजीत जी, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा पर आपके कंक्लूडिंग कॉमेंट, हमने जो इस चर्चा को कई पहलुओं पर, कई एस्पेक्ट्स पर हमने बात की, आप इस चर्चा में अंत में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो वर्तमान विश्व माहौल है, जो जियोपॉलिटिकल जिस तरह से हालात तेजी से बदल रहे हैं, उसमें भारत और अमेरिका का साथ आना बहुत जरूरी है। भारत को जिस तरह से चीन की ओर से चुनौतियां पैदा की जा रही हैं, चीन की ओर से रक्षा क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जिस तरह से चुनौतियाँ मिल रही हैं, उसका मुकाबला करने के लिए भारत को किसी बड़ी ताकत की मदद की जरूरत है, और अमेरिका इस मायने में भारत के साथ आने को तैयार है। भारत और अमेरिका के बीच सामरिक साझेदारी जिस तरह से मजबूती ले रही है, वो भारत की विश्व स्तर पर भारत की हैसियत को काफ़ी बढ़ाती है, बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो भारत और अमेरिका का साथ आना इसलिए काफ़ी अहमियत रखता है कि दोनों देश मिल करके एक दूसरे के हितों को आगे बढ़ाने में काम आएंगे। जी, तो दोनों देश मिलकर एक दूसरे के हितों को आगे बढ़ाने में काम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी हमसे जुड़ने के लिए, और भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बात करने के लिए, विस्तार से तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।